टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो लाल टमाटर, ये मैंने ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। इसे चीनी चाहिए 100 ग्राम, गुड़ मैंने लिया है 50 ग्राम, ये कलौंजी या मंगरेल 1 छोटा चम्मच, तेजपत्ता 2 या 3, सूखे लाल मिर्च 3, इमली का रस चाहिए 2 बड़े चम्मच, कुकिंग ऑयल 2 बड़े चम्मच और नमक आधी छोटी चम्मच। चटनी बनाने के लिए हम गैस ऑन करेंगे और उस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई को गर्म होने देंगे, फिर हम उसमें डालेंगे ये 2 बड़े चम्मच तेल। फिर तेल को गर्म कर लेंगे, ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे ये तेजपत्ता। फिर इसमें डालें ये सूखे लाल मिर्च, इसे मैंने टुकड़ों में तोड़ दिया है, 2 टुकड़े कर ले। फिर इसे 2 से 3 सेकंड ऐसे चलाएं। फिर हम इसमें डालेंगे ये कलौंजी सीड्स और इसे थोड़ा सा चला लें स्पून से। फिर इसमें डालें ये टमाटर कटे हुए। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे ताकि जो टमाटर है वो गलना शुरू हो जाए। अब ये जो टमाटर है वो गलना शुरू कर दिया है, ये देखें। अब हम इसमें डालेंगे गुड़, फिर चीनी डालें। गुड़ और चीनी को हम एक साथ डालेंगे और फिर इसे स्पून से ऐसे मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे। अब हम इसे कवर करके पकाएंगे। ये देखिए अब ये चीनी जो है, चीनी और गुड़ वो अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है और टमाटर भी गलना शुरू हो गया है। अब हम इसे गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इसे ढक के कंटिन्यू ऐसे पकाते रहेंगे 5 से 7 मिनट तक। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे इमली का रस, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर इसमें डालें 1/2 छोटी चम्मच नमक, नमक हम कम ही यूज़ करेंगे। फिर ये इमली और नमक को हम ऐसे मिक्स कर देंगे टमाटर में। पैन को कवर कर दें। अब हम इसे गैस का फ्लेम लो करके पकाएंगे 5 से 7 मिनट और। ये देखिए अब ये जो चीनी है वो पूरी ऐसे स्टिकी हो गई है और टमाटर भी गल चुका ऑलमोस्ट। आप चाहे तो टमाटर को पूरा गला ले या फिर ऐसे मैश कर ले, मुझे थोड़े चंक्स पसंद है इसलिए मैंने पूरे टमाटर को मैश नहीं किया है। ये देखिए अब पैन को कवर करके कम से कम 2 से 3 मिनट और पकाएं। ये हमारी चटनी देखिए ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब देखिए अब इस चटनी में जो ये तेजपत्ता है उसे हम निकाल लेंगे। आप उसे निकाल के फेंक दें। ये हमारी चटनी देखिए एकदम जेली की तरह हो चुकी है। इसमें आपको बहुत सारे फ्लेवर मिलेंगे जैसे कि खट्टा, मीठा, तीखा और नमकीन। अब गैस को बंद कर दें और इसे एक प्लेट में निकाल लें। आप इसमें कम मिर्ची का यूज़ करके आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएगा। और इसे आप एज इट इज़ रोटी, राइस या किसी के साथ भी सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।